आज पूछता है इंडिया, पूछती है जनता। 300 किलो आरडीएक्स कश्मीर में कैसे आया? सेना के अधिकारी बिपिन रावत का मौसम खराब होने के बाद वहां हेलीकॉप्टर जाना, क्रैश हो जाना, हाथरस की घटना, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देने के बाद उनको हाथरस में टिकट दे, विधायकों को खरीदने का पैसा इतना जल्दी आता कहां से है? किस कुछ न्यूज चैनल वाले किसी पार्टी विशेष के लिए काम करते हैं, शाम को उनके कार्यक्रम में एक चलता है कि पूछता है भारत, तो सुनो आज पूछता है इंडिया, पूछती है जनता। 300 किलो आरडीएक्स कश्मीर में कैसे आया? किसी पार्टी के नेता का नाम आया, वो कहाँ है? पूछता है भारत। और सुनो, इतने बड़े सेना के अधिकारी बिपिन रावत का मौसम खराब होने के बाद वहां हेलीकॉप्टर जाना, क्रैश हो जाना, और उसके बाद पता ना चलना कि मुख्य कारण क्या है? पूछती है इंडिया, पूछती है जनता। क्यों? उन्होंने कहा था कुछ बड़ा खुलासा करने वाला हूं। हाथरस की घटना, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देने के बाद उनको हाथरस में टिकट देना, आखिर क्यों? पूछता है इंडिया, पूछती है जनता। महिलाओं के यौन शोषण के आरोप को झेल रहे बिभूषण शरण सिंह, अगर पाक साफ थे तो उन्हें टिकट देने में इतना देरी क्यों? पूछती है इंडिया। और गलत थे तो उस समय माने क्यों नहीं? और सुनिएगा, सारे डाटा, सारी चीजें इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में इतना देने, इतना देरी क्यों? पूछती है जनता, पूछती है इंडिया। और सुनो, सब फलाने के परिवार हो तो फिर परिवार जोड़ो तोड़ो नहीं, जाति धर्म पे भारत को बांटो नहीं। और सुनो, पूछती है इंडिया, पूछती है जनता। विधायकों को खरीदने का पैसा इतना जल्दी आता कहां से है? किस फंड से और कैसे? पूछती है जनता, पूछती है इंडिया। बड़े बड़े वादे करके मुकर जाना, अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर भारत को चलाने तक में हर वादों से मुकर जाना, कहां से आता है ये तुम्हारे पास जुनून? पूछती है इंडिया, पूछती है जनता। आज शरीर थोड़ा अस्वस्थ है मित्रों, मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकता, इस बारे में लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सहयोग कीजिए, शेयर कीजिए, आपकी आवाज़ लेकर मैं आता रहूँगा। धन्यवाद।